हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है कलेक्टिव बारगेनिंग और ये जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है आज मैंने इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं कलेक्टिव बारगेनिंग के वही कवर करूँगी आज के इस वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दें दे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और सभी वीडियोस को वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप एच आर एम की वीडियोस वॉच कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन गिवन है कलेक्टिव बार्गेनिंग का तो यहाँ पे हमें गिवन है कलेक्टिव बारगेनिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कलेक्टिव बारगेनिंग का मतलब क्या है मतलब इसमें होता क्या है इसमें क्या होता है जो एम्प्लॉयर होता है और जो हमारा लेबर क्लास होता है यानी कि एम्प्लॉय जो होता है ना डेटरमाइन द नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब दो पार्टीज़ हैं बेसिकली एक हमारा एम्प्लॉयर है और एक उसका एम्प्लॉयी है तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं ये दोनों ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं सेट करते हैं एक दूसरे के प्रति तो उसी को ही बेसिकली हम कलेक्टिव बारगेनिंग कहते हैं कि अब इसमें होगा क्या इन सच बारगेनिंग ओनली टू पार्टीज़ आर इन्वॉल्व ओनली द एम्प्लॉयर एंड लेबर वो ना एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट करते हैं एक दूसरे के साथ जो है डिस्कशन करके तो इट इज़ दैट प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉयर एंड लेबर क्लास मेक कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर और जो हमारा लेबर होते हैं ना वो लगातार एफर्ट करते हैं आ, अपने जो भी उनके इंटरेस्ट होते हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए जैसे कि एम्प्लॉई जो चाहता है एम्प्लॉई अपनी बातें रखेगा एम्प्लॉयर जो चाहता है एम्प्लॉयर अपनी बातें रखेगा है ना तो वही हमारा कलेक्टिव बारगेनिंग है अभी जब आप इसके मेथड्स को देखोगे जो इसके प्रोसेस को देखोगे ना जब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या चीज़ें होती हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया गया है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है कोई कन्फ्लिक्स पैदा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कलेक्टिव बारगेनिंग के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है तो अब इंडिया में जो है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने 1920 में जो है यूज़ किया था इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशन बिटवीन दी लेबर एंड एम्प्लॉयर तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे लेबरर और इम्प्लॉयर के बीच में अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है देयर आर रिप्रेजेंटेटिव मेम्बर्स ऑफ लेबरर तो लेबर को जो रिप्रजेंट कर रहे हैं अब देखो लेबर बहुत सारे होते हैं ना तो लेबर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनके कुछ मेंबर्स होते हैं और कुछ इम्प्लॉयर्स होते हैं तो लेबर के रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयर्स में जो है मिलकर जो है ये कलेक्टिव बारगेनिंग करते हैं तो सच काइंड ऑफ बारगेनिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन दी लेबरर आर रेडी टू एक्सचेंज आइडियाज तो अब इस प्रकार की बारगेनिंग तभी पॉसिबल होगी जब हमारे जो लेबरर्स हैं वो रेडी है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए विद द एम्प्लॉयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यानी कि वो बात करने के लिए रेडी है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ अपने विचार रखने के लिए वो रेडी हैं तभी ये बार्गेनिंग पॉसिबल होगी तो अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़रिए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है उसके बाद एग्ज़ाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है कि आप कंसेप्ट एक्सप्लेन करें कलेक्टिव बार्गेनिंग का तो कलेक्टिव बारगेनिंग का वही मतलब है जो अभी हमने पढ़ा कि जिसमें हम नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको डिटरमाइन करते हैं इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयी बोथ प्रेजेंट देयर ओपिनियन इस प्रोसेस में क्या होता है जो हमारा एम्प्लॉयर होता है या जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं दोनों ही अपने विचारों को रखते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए एंड डिटरमाइन सूटेबल पॉलिसीज़ ये पॉलिसीज़ डिटरमाइन करते हैं दोनों के ही इंटरेस्ट में इम्प्लॉज़ के भी और एंटरप्राइज के भी तो बेसिकली वो टर्म्स एंड कंडीशन वही होती है जो दोनों के ही हक में हो अभी हम कुछ ऐसी बार्गेनिंग्स भी पढ़ेंगे जो मेथड्स uh, में पढ़ेंगे उसमें भी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसी कौन सी बार्गेनिंग होती हैं है, या विन लॉस बार्गिनिंग होती हैं तो वो भी हम स्टडी करेंगे और इट इज दार्गेनिंग इन विच एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर बोथ हैव टू इस्टिश कोऑर्डिनेशन तो इसमें क्या होता है ये वो बार्गेनिंग है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही कुछ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश uh, करते हैं और इस प्रोसेस में इम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच अदर प्रॉब्लम्स एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम uh, से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो प्राप्त करते हैं कि हाँ भाई हमारी ये प्रॉब्लम है तो वो एम्प्लॉयज़ uh, जो हैं अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे फिर एम्प्लॉयर और इम्प्लॉय मिलकर टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे आई मीन सेट करेंगे एंड आफ्टर डेटा माइनिंग दउटलाइन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन द इम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी जॉइंटली नैगोशिएट ऑन समथिंग तो अब मान लो एम्प्लॉयज़ ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख कर दे दी और इम्प्लॉयर ने लिख कर दे दी अब कुछ ना कुछ क्लैशिज तो होंगे तो फिर उस बात पर नैगोशिएट किया जाएगा ठीक है नैगोशियशन चलेगा मान लो एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा हो बट एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि नहीं आप हम आपको वेजेस तभी ज़्यादा देंगे जब आप हमें प्रोडक्टिविटी देंगे मतलब जितना ज़्यादा आप अच्छे से काम करेंगे उस हिसाब से आपका वेज होगा बट इम्प्लॉज़ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हमें तो जो है फ़िक्स इतनी अमाउंट चाहिए तो इस बात को लेकर नेगोशिएशन हो सकता है तो ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिनको लेकर नेगोशिएशन हो सकते हैं तो कलेक्टिव बारगेनिंग यही है बेसिकली तो इन दिस वे कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कंसीडिड कंसीडर्ड द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉय एंड एंटरप्राइज उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं कलेक्टिव बारगेनिंग की पहला है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है यानी कि देखो एक बार का काम नहीं है कलेक्टिव बारगेनिंग को कॉन्टिन्यूस बताया गया है इसमें दोनों ही पार्टीज जो हैं वो म्यूचुअल uh, कॉपरेशन की फीलिंग को अडॉप्ट करती हैं कि हाँ भाई Uh, हमें दो, हमें दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना है क्योंकि दोनों के बिना ही काम नहीं चलेगा है ना दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है इसीलिए दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अपना म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे और नेगोशिएट uh, करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड ओनली टू नेगोशिएशन बट इट इज़ एन एंडलेस प्रोसेस कि ऐसा नहीं है एक बार में नेगोशिएशन हो गया तो खत्म नहीं ये एक एंडलेस प्रोसेस है एम्प्लॉयर्स और इम्प्लॉयीज़ के बीच में क्योंकि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और उनका समाधान करना ही पड़ेगा तो इसीलिए ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बताया गया है टू साइड प्रोसेस बोला गया है कि ऑब्वियसली टू साइडेड ही है ये तो है नहीं एम्प्लॉयज़ चाहते हैं हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन हो बट एम्प्लॉयर्स तो कुछ चाह ही नहीं रहे एम्प्लॉयर्स तो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख ही नहीं रहे और वो उनकी सुन ही नहीं रहे तो ऐसा नहीं चलेगा ये दोनों ही साइड का पर्पस है प्रोसेस है टू uh, साइडेड है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयिज दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक तो ये याद रखना है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो ये प्रिंसिपल uh, है ये गिव एंड टेक का है कि गिव एंड टेक क्यों बोला गया है कि बेसिकली इसमें दोनों की ही चलती है ना एक एम्प्लॉयर uh, अपना जो है मान लो इम्प्लॉय ढंग से काम करेंगे तभी तो एम्प्लॉयर उनको अच्छी सैलरी देंगे तो इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम वही कंडीशन सेट करते हैं जो दोनों के ही हक में हो आप अच्छा काम करोगे तभी इम्प्लॉयर्स आपको अच्छी वेजेस देंगे तो इसीलिए गिव एंड टेक पहले आप अच्छे से मेहनत करो हार्डवर्क करो देन आपको उसका रेमेंड्रेशन उसका जो है मिलेगा अच्छा खासा तो इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज बोथ दी पार्टी हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन दोनों ही का ही पार्टीज का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है और इम्प्रूवमेंट इन दी टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेड और हम जो है प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं दोनों ही पार्टीज़ की कंसेंट के द्वारा यानी कि अगर दोनों पार्टीज चाहती हैं प्रोडक्शन बढ़े प्रॉफिट बढ़े ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे तो ऑब्वियसली करेंगे इम्प्रूवमेंट करेंगे ना वो तो दिस ये प्रोसेस कैसे सक्सेसफुल है जब दोनों ही मैनेजमेंट और लेबर जो है एक दूसरे की ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करें और वो प्रॉपरली वर्क करें तो इसीलिए ये टू साइडेड है कि दोनों को ही करना पड़ेगा ये नहीं है कि एक एक जो है पार्टी पूरा जोर लगा रही है यानी कि मैनेजमेंट पूरा जोर लगा रही है बट हमारे लेबरर्स ही खुश नहीं है तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे ढंग से काम नहीं करेंगे तो कैसे हम अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट्स को फ्लेक्सिबल प्रोसेस बोला गया है कलेक्टिव बारगेनिंग को आ, कलेक्टिव बारगेनिंग एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है इफ़ अ नेगोशिएशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू हैज़ बीन टेकन इन दी एंटरप्राइज दैन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट चेंज इन दैट नेगोशियेशन के नॉट बी मेड कि मान लो मान लो कि आपने एक बार नेगोशियेशन कर लिया किसी पर्टिकुलर इशू पर बातचीत कर ली और समाधान निकाल लिया बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस समाधान जो आपने निकाला था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा वो बदलाव किया जा सकता है इसीलिए इसको क्या बोला गया है फ्लेक्सिबल प्रोसेस बोला गया है कि मान लो आपने किसी प्रॉब्लम को पर्टिकुलर इशू को सॉल्व किया बट जैसे सोल्व किया हो सकता है उसमें कोई चेंज लाना हो तो वो चेंज लिए जा सकते हैं तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला गया अगर चेंज नहीं लिए जा सकते देन इट इज़ नॉट फ्लेक्सीबल तो ये इसीलिए इसको फ्लैक्सीबल प्रोसेस बोला गया कलेक्टिव बार्गेनिंग को एम्प्लॉयर्स एंड लेबरर्स कैन अगेन गो फोर ए कलेक्टिव नेगोशिएशन है ना कि वो दोबारा से कलेक्टिव नेगोशिएशन कर सकते हैं उसी इशू uh, पर उसके बाद डायनेमिक प्रोसेस बोला गया है डायनेमिक क्यों बोला गया है क्योंकि कलेक्टिव बारगेनिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली डेवलप हो रहा है समटाइम्स ए गो कलेक्टिव बारगेनिंग वॉज कंसिडर्ड एज एन इमोशनल कंसेप्ट पहले तो इसको एक इमोशनल कंसेप्ट समझा जाता था लेकिन अब इसको साइंटिफिक फैक्ट uh, के बेस पर जो है बताया जाता है आ, बोला जाता है कि ये जो है साइंटिफिक uh, फैक्ट्स पर बेस्ड है तो इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच व्हेन बोथ पार्टीज नेगोशिएट इसमें दोनों ही पार्टी नेगोशिएट करते हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आर कोल्ड एन एग्रीमेंट इज़ रीच्ड एट आफ्टर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ पार्टीज कंसल्ट ईच अदर तो एक दूसरे को uh, यू नो कंसल्ट करते हैं एडवाइस देते हैं और सेट करते हैं कंडीशंस तो इसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो होती हैं वो डेडराम होती हैं और इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है ये तो थी कुछ कलेक्टिव बारगेनिंग का इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड इसकी कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक्स नाउ लेट्स मूव ऑन दी अनदर टॉपिक ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग दैट इज़ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग तो ये प्रोसेस आप देख लीजिए ये पूरा चार्ट हमें गिवन है स्क्रीन uh, पे देख सकते हैं आप देखिए चार्ट में सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे देन आप यू नो नेगोशिएटर्स जो भी नेगोशिएशन करेंगे बेसिकली uh, उनको सिलेक्ट करोगे कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से नेगोशिएट करेंगे उसके बाद क्लाइमेट ऑफ नेगोशिएशन देन बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज उसके बाद टैक्टिक्स दैन टू प्रोवाइड फॉर्मल फॉर्म ऑफ टू बार्गेनिंग और फिर टू एंड फोर्स द एग्रीमेंट तो अब इस इन इन पॉइंट्स को हम समझेंगे ब्रीफली कि ये पॉइंट्स हैं क्या बेसिकली और ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले नंबर वन पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली किस बात पर जो है ईशू क्रिएट हो रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है पहला प्रोसेस है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का तो प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड बिकॉज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कैन इन्फ्लुएंस द होल प्रोसेस क्योंकि प्रॉब्लम का जो नेचर है यानी कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूरे प्रोसेस को क्या कर सकती है इन्फ्लुएंस कर सकती है प्रभावित कर सकती है अब वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकती है वो इम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड हो सकती है वो मैनेजर के गेंस से रिलेटेड हो सकती है इम्प्लॉयज़ चाहते हैं हमारे हमें अच्छी सैलरी मिले मैनेजर चाहते हैं हमको अच्छा प्रॉफिट हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट शुड बी गैदर्ड जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है इकट्ठा किया जाता है और अगर हमें अगर ये पाया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी गंभीर है क्रिटिकल है देन द टाइम इन्वॉल्व इन इट्स सोल्यूशन शुड बी डिसाइडेड वेल इन एडवांस अगर आपको पता लग रहा है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी क्रिटिकल है फ्यूचर में काफ़ी नुकसान हो हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रॉब्लम की वजह से देन उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है तो साइज ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ रिप्रजेंटेटिवस अब प्रॉब्लम का जो साइज है मतलब वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है क्या वो छोटी सी प्रॉब्लम है क्या वो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है फिर उसमें क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन किया जाता है कि भाई हमारी तरफ से लेबरर्स की तरफ से इम्प्लॉइज़ की तरफ से कितने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाएंगे जो हमारी तरफ़ से नेगोशिएट करेंगे कितने नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और टाइम ऑफ इंटरवेंशन और नेगोशिएशन का टाइम क्या रहेगा तो दैट इज़ वाई बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ दी पार्टी टू हैव क्लियर नॉलेज अबाउट इट कि आप किसी पर्टिकुलर इशू पर बहस करना जा रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम की तह तक जाना ज़रूरी है आपको एक स्पष्ट नॉलेज होना ज़रूरी है क्लियर नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि तभी तो आप नेगोशिएट कर पाओगे ना अगर आपको प्रॉपर पता ही नहीं है कुछ तो आप नेगोशिएट ही नहीं कर पाओगे वहाँ पे आपके पास जवाब ही नहीं होगा है ना तो अब पहला प्रोसेस यही है कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है देन आपको डेटा को कलेक्ट करना है कलेक्शन ऑफ़ डेटा एक सेकेंड स्टेप बोला गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग का द फैक्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम आर कलेक्टेड जो भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है और जो भी फैक्ट्स हैं जो भी तथ्य हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और एंटरप्राइज में जो है लेबरर्स एंड मैनेजर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कलेक्शन ऑफ़ डेटा एक एंटरप्राइज़ में जो हमारे लेबरर होते हैं यानी कि लेबर्स वगैरह हो गए या जो हमारे लेबरर्स होते हैं यानी कि और जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए इम्प्लॉयज से रिलेटेड जो डेटा होता है तो लेबरर यहाँ लेबरर का मतलब है एम्प्लॉयर ठीक है लेबर मत समझना इसको लेबरर रहिए एम्प्लॉयर ठीक है तो डेटा uh, कलेक्ट किया जाता है लॉट्स ऑफ टाइम लगता है एम्प्लॉइज से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाता है और इम्प्लॉइज़ uh, के ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन उनका रिट्रेंचमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन वेज प्रॉफिट इकोनॉमिक फोरकास्ट वर्क एनवायरनमेंट इस सब से रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है तो अब डेटा कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है और फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग इट इज इजेंशियल दैट द कलेक्टेड डाटा शुड बी एक्यूरेट अब हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट uh, करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो सही हो वो बिलीवेबल हो वो एक्यूरेट हो तो डेटा कलेक्ट करने के बाद ही आप जो है इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अब हमें नेगोशिएटर्स को सिलेक्ट करना है नेगोशिएटर्स को सिलेक्ट करना है कि जो हमारी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तो एंटरप्राइज में सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग डिपेंड अपॉन द एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द नेगोशिएटर्स तो नेगोशिएटर्स uh, uh, की नॉलेज होनी चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी हम नेगोशिएटर्स या जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रहे हैं उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए तो मैनेजर एंड लेबरर्स जॉइंटली सिलेक्ट द नेगोशिएटर जो भी हमारे मैनेजर हैं वो जो है नेगोशिएटर uh, सिलेक्ट करते हैं और दीज नेगोशिएटर कैन बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अब वो नेगोशिएटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हो सकते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स ऑपरेटर्स एंड लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं और सिलेक्टिंग द नेगोशिएटर इट इज़ कैप्ट इन माइंड बोथ द पार्टी दैट दे हैव कम्प्लीट नॉलेज कि जब हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं उन नैगोशिएटर्स को तो उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए लेबर लॉज के बारे में लेबर से रिलेटेड जितने भी कानून हैं और दिस नेगोशिएटर शुड बी सच हु इज़ एबल टू इस्टैब्लिश गुड रिलेशन नेगोशिएटर ऐसा होना चाहिए जो गुड रिलेशन इस्टैब्लिश करे और विद दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्प्लॉयिज़ के बीच में ऑल दीज नेगोशिएटर्स शुड हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट द टाइम टू बी स्पेंट इन कलेक्टिव बारगेनिंग कि कलेक्टिव बारगेनिंग में जितना भी टाइम स्पेंड किया जाएगा उसकी नॉलेज उनके पास होनी चाहिए तो ये सब होगा तो ऑल दीज नेगोशिएशन नेगोशिएटर शुड हैव गुड नॉलेज कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उनको और उसके बाद हमारा आता है अगला प्रोसेस जो कि है क्लाइमेट ऑफ़ नेगोशिएशंस तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर जब आपने नेगोशिएटर्स को सिलेक्ट कर लिया है एक जब आपने नेगोशिएटर्स को सिलेक्ट कर लिया है तो द टाइम टू बी स्पेंट ऑन द नेगोशिएशन बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉयर ये तो ये लेबर है लेबर तो इसको आप ध्यान रखना तो मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें लेबर मतलब लेबर्स ही है यहाँ पे ठीक है और इम्प्लॉयर अलग है इस बात को ध्यान रखना तो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द नेगोशिएटर्स द टाइम टू तो बी स्पेंट ऑन द नेगोशिएशन बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉयर शुड बी डेटरमाइंड कि लेबर और इम्प्लॉयर्स के बीच में जो नेगोशिएशन होगा कि भाई कितना टाइम स्पेंड किया जाएगा वो डिटरमाइन किया जाएगा कि भाई कितना टाइम लगेगा नेगोशिएशन में उसको हमें डेटरमाइन करना है और राइट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्रिएट किया जाना चाहिए बारगेनिंग के लिए और इस प्रोसेस में एग्रीमेंट शुड बी कैप्टन अ रिटर्न फॉर्म जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए आफ्टर नेगोशिएशन सो दैट इट कैन बी प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट एज एविडेंस बाय द लेबर एंड एम्प्लॉय इफ़ द नीड अराइज़ कि भई जो भी आपके बीच में सेट uh, uh, हुई है टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो रिटर्न फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है कि मान लो फ्यूचर में अगर uh, जो है uh, कोई बात हो गई या कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होएगा तो आप उसको कोर्ट में एज एविडेंस जो है शो कर पाएंगे तो इसीलिए बेसिकली बोला गया है एटमोसफियर भी अच्छा राइट काइंड का क्रिएट का किया जाना चाहिए स्ट्रैटेजीज़ ऑफ बार्गेनिंग की बात करें तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप है जिसमें हम स्ट्रैटीज़ जो है फॉर्मुलेट करेंगे डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले जो भी हमारी बोथ पार्टीज़ हैं उनके बीच सो दैट एडिक्वेट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड कि जितनी भी पर्याप्त अथॉरिटीज़ हैं Uh, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी डिटरमाइन किया जाना चाहिए नेगोशिएशन के लिए और जो भी स्ट्रैटीज़ दी स्ट्रैटी वर्क एज अ गाइड ये स्ट्रैटी अगर हम किसी चीज़ की बना के चलते हैं तो हमें एक गाइड की तरह वो uh, हमारे काम आती हैं दी शो द वे ऑफ अचीविंग द एंटरप्राइज गोल्स तो जब हम स्ट्रेटी फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारे को एंटरप्राइज गोल uh, जो भी एंटरप्राइजेस के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी uh, जो है मदद मिलती है दीज स्ट्रेटीज़ हैव इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेकिंग द कलेक्टिव बारगेनिंग सक्सेसफुल कि अगर आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है अगर आपको अपनी बातें बनवानी हैं सामने वाली पार्टी से सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो आपको सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो पाएगा तो उसके बाद टैक्टिक्स की बात करें तो जब आपने डिटरमाइन कर ली हैं स्ट्रैटीज़ तो बार्गेनिंग टैक्टिक्स फार्मूलेट किए जाएंगे टैक्टिक्स क्या होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीडिंग होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइम पर और इन दिस टैक्टिक्स द डिमांड ऑफ मैनेजर लिमिट ऑफ लाइबर्टी रिएक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन ये सब हम डिटरमाइन करके चलते हैं कि भाई मैनेजर्स की क्या डिमांड है या फिर लिबर्टी लिमिट्स ऑफ लाइबर्टी लाइबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम उस क्या रहेंगी ट्रेड यूनियंस का क्या रिएक्शन रहेगा ये सब हम डिटरमाइन करके चलते हैं और जब हम ये डिटरमाइन और स्टडी करके चलते हैं तो कलेक्टिव बारगेनिंग में हम इन टैक्टिक्स को अडॉप्ट करते हैं टू स्टॉप बोथ दी पार्टीज टू गेट मिस गाइज अगेंस्ट ईच अदर कि भाई एक जो है वो मिस गाइडेड ना हो जाए और पॉइंट टू पॉइंट बातें हूँ दिस टैक्टिक्स आर हेल्पफुल इन गेटिंग कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर्मल फॉर्म टू बार्गेनिंग तो इस स्टेप में क्या होता है कि ऑल दी फैक्ट आर इंक्लूडेड इन अ सिंपल क्लियर एंड ब्रीफ मैनर जो भी फैक्ट्स uh, uh, होते हैं हमारे वो सिंपल होते हैं क्लियर और ब्रीफ मैनर में होते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में होते हैं तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की तो दीज आर इन्वेस्टिगेटेड बाय बोथ पार्टीज़ तो ये दोनों ही पार्टीज के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेटलमेंट और एग्रीमेंट इज़ साइंड बाय द बोथ पार्टीज मतलब दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा एग्रीमेंट को साइन किया जाता है ताकि वो फॉर्मल बन जाए है ना उसके बाद एनफोर्स द एग्रीमेंट ओबियसली जब आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो क्या होगा एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स मीनिंगफुली एंड इफेक्टिवली आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे और जो भी कंडीशन जो है जो भी एग्रीमेंट बन हुआ है उसमें कम्प्लीटली एग्रीमेंट होना जरूरी है एग्री होना ज़रूरी है और टाइम टू टाइम अगर कुछ चेंज भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं अब आते हैं हमारे मेथड्स कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो कि हैं कंजक्टिव कोऑपरेटिव और कॉम्पोजिट तो ये चार मेथड हम कवर करेंगे वैसे इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग uh, भी होती है और एक और डिस्ट्रीब्यूटिव uh, भी होती है uh, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट हम ये चार कवर करेंगे तो कंजक्टिव बार्गेनिंग को बेसिकली जो पहला मेथड है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरह ही है इसमें क्या होता है देखो ये वो बार्गेनिंग है जिसमें ग्रुप ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय कलेक्टिवली मेक एन एग्रीमेंट कि जो भी लेबर्स का ग्रुप है और जो एम्प्लॉयर्स का ग्रुप है वो कलेक्टिवली एग्रीमेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंजक्टिव बार्गेनिंग को कलेक्टिव बार्गेनिंग भी बोला गया है एक सिंगल लेबर जो है वो कैन नॉट डिमांड हिज राइट अलोन अगर एक सिंगल लेबर चाहता है कि मेरी डिमांड पूरी हो तो ऐसा नहीं हो सकता ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है तो सिमिलरली एक मैनेजर इज़ नॉट कैपेबल टू फुलफ़िल द डिमांड ऑफ लेबरर कि एक अकेला मैनेजर भी काफ़ी नहीं है सभी लेबरर्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए तो दोनों की को ही एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों को ग्रुप में काम करना होगा लेबरर शुड फॉर्म ट्रेड यूनियन लेबरर्स को ट्रेड यूनियन बनानी चाहिए अपने वेजेस अपने बोनस और को प्राप्त करने के लिए उनको बढ़ाने के लिए और जो भी उनके फेवर में डिसीज़न है उनको अगर ऐसा डिसीज़न लेना है तो उनको ट्रेड यूनियन बनानी पड़ती है और दैट इज़ वाई लेबर एम्प्लॉय शुड मेक अ कंजक्टिव एग्रीमेंट करते हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहला था मेथड उसके बाद कॉपरेटिव बार्गेनिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को कॉपरेट करेंगी तो इसमें वही है बेसिकली कि कॉपरेटिव बार्गेनिंग मैनी अ टाइम कंपनी हैव टू इंकर लॉसेज ड्यू टू रिसेशन इन मार्केट मार्केट मंदी चल रही है रिसेशन चल रहा है तो कंपनी को हो सकता है कि लॉसेस हो और इस सिचुएशन में कंपनी जो है वो लेबरर्स की डिमांड को फुलफिल ना कर पाए इनकैपेबल हो जाए तो एम्प्लॉइज़ को भी समझना चाहिए इस चीज़ को जो भी लेबरर्स हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए और उनको मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इसी को ही हम क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव बारगेनिंग बोलते हैं उसके बाद बारगेनिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन में कुल मिला के ये बोला गया है कि बेसिकली uh, जो ये बारगेनिंग होती है इसमें क्या होता है प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया जाता है इसको हम प्रोडक्टिविटी बारगेनिंग भी बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि आप अगर जितना अच्छा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपको वेजेस मिलेगा देखिए इसमें यही निकल करके आएगा कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट सर्टेन कंडीशंस आर कैप्ट बाय द मैनेजर्स बिफोर दैम अब एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए मैनेजर्स जो हैं वो Uh, कुछ कंडीशंस को सेट करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो गुड्स है उसकी प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो वो कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि हमारा इतना प्रोडक्शन होना चाहिए और वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने लेबरर्स को बताते हैं और इफ़ द लेबरर बिकम कैपेबल ऑफ अचीविंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन अगर लेबरर उस uh, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन होगा अगर लेबरर उसको अचीव कर लेते हैं देन बेटर वेज एंड प्रॉफिट आर प्रोवाइडेड टू देम तो मैनेजर बोलते हैं कि अगर आप ये स्टैंडर्ड ये अचीव कर लिया तो आपको अच्छा वेजेस अच्छा प्रॉफिट हम प्रोवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें देयर इज अ विजिबल रिलेशन बिटवीन द इम्प्लॉय सैलरी एंड प्रॉफिट एज वेल एज प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पर सीधा सीधा संबंध इम्प्लॉय की सैलरी का और प्रॉफ़िट का किससे है प्रोडक्टिविटी से है कि जितना अच्छा प्रोडक्शन करोगे स्टैंडर्ड्स को अचीव करोगे जो भी सेट किए गए हैं तो ही आपको बेटर सैलरी मिलेगी तो इसमें क्या हो जा हो जाता है कि मैनेजर कैन हैव अ गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ तो यही सब निकल कर के आएगा uh, कि भाई प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस करो और इसमें क्या होता है बेसिकली uh, बोला गया है कि दिस मैथड ऑफ कलेक्टिवली बारगेनिंग इज़ रेयरली यूज़ तो ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर यू uh, नो you know, एक इम्प्लॉयज़ लेबरर्स uh, के ऊपर दबाव आ जाता है कि यार हमें ये स्टैंडर्ड अचीव करना है तो इसलिए बहुत ही कम ये मेथड यूज़ किया जाता है रेयरली यूज़ किया जाता है अभी हम जब कम्पोजिट बार्गेनिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो है इसमें यही बोला गया है कि जब हमने प्रोडक्टिविटी अगर बार्गेनिंग की बात करें तो इसमें इम्प्लॉयज़ लेबरर्स के ऊपर पूरा ज़्यादा क्या आ, Work load आ जाता है वर्क लोड आ जाता है वर्क लोड आ जाता है लेबरर्स के ऊपर लेकिन जो हमारा कंपोजिट बार्गेनिंग है ये क्या बोलता है द लेबरर कीप टू एस्पेक्ट इन माइंड कंपोजिट बार्गेनिंग में क्या होता है लेबर के माइंड में दो पहलू होते हैं वाइल मेकिंग एन एग्रीमेंट जब वो एग्रीमेंट कर रहे हैं क्या होते हैं कि इंक्रीज़ इन द वेजेस इम्प्लॉयज़ ऑल्सो डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि हमारा वेजेस भी इंक्रीज करो और साथ में जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड uh, कर रहे हैं जो भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसमें हमारे को पार्टिसिपेशन चाहिए हम भी जानना चाहते हैं कि हम भी उस चीज़ में पार्ट लेना चाहते हैं तो दे डिमांड फ्रॉम मैनेजर नोट टू चेंज अब लेबरर्स क्या डिमांड करते हैं मैनेजर से कि आप ना दे डिमांड फ्रॉम मैनेजर नोट टू चेंज देयर टर्म्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन एंड लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेबर चाहते हैं कि हमारे जो काम की कंडीशंस है उनको चेंज ना किया जाए जो भी स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए गए हैं या जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसको चेंज नहीं करना तो जब आप लेबर स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर रहे हो कंपोजिट बारगेनिंग में तो उनको ये माइंड में रखना है कि वर्क लोड नहीं बढ़ना चाहिए वर्क लोड नहीं बढ़ना चाहिए और इस मैनर में द दिस बार्गेनिंग वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर तो ये जो कंपोजिट बार्गेनिंग है ये लेबरर के हक में होती है उनके इंटरेस्ट में होती है तो दस देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन सिलेक्ट मेथड एज पर हिज रिक्वायरमेंट इट्स रिक्वायरमेंट तो ये था आज का हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक होप आपको समझ में आया होगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें